हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घर की रसोई बाय दीपिका। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पनीर पसंदा। पनीर पसंदा के लिए सबसे पहले हम लेंगे अपना पनीर। ये मैं अमूल का मलाई पनीर यूज कर रही हूँ, आप कोई भी पनीर यूज कर सकते हैं। या तो पनीर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये 200 ग्राम पनीर है, हमें इस रेसिपी में चाहिएगा 300 ग्राम पनीर। ये हाफ पनीर हम ग्रेट करेंगे या इसको आप तोड़ सकते हैं। ये हमारी स्टफिंग बनेगी पनीर पसंदा की, जो इन पनीर के अंदर स्टफ करेंगे, जो हमने कट लगाए हैं इनके अंदर हम स्टफ करेंगे ये पनीर की स्टफिंग को, जिसके अंदर लेंगे हम 100 ग्राम पनीर अच्छे से तोड़ के। साथ में जाएगा इसके अंदर आपका ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है 5 काजू, 5 बादाम और 5 किशमिश, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके ये इसी पनीर में हम मिला लेंगे। साथ ही में इसमें जाएगा थोड़ा सा धनिया एंड पुदीना। और अब इसमें ऐड करेंगे हम अपना ग्रीन चिलीज। 2 ग्रीन चिलीज लिए हैं मैंने काट के बारीक बारीक। अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद नहीं है तो ग्रीन चिली ओमिट कर सकते हैं। साथ में इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 टीस्पून हमारा गरम मसाला और 1 थोड़ा सा हमारा जाएगा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम हल्दी। अब पिंच इसमें डाली हमने हल्दी। और साथ में इसके अगर आपको हल्का मीठा पसंद है तो आप इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है टोटली ओमिट कर सकते हैं चीनी को। इसमें 1 टीस्पून जाएगा चीनी का पाउडर, 1/2 टीस्पून गई चीनी हमारी। अब इसको करेंगे अच्छे से हम मिक्स। अब इसको करेंगे हम अपने पनीर में स्टफ। इसको सारे तीनों जो हमारे स्लाइसेस काटे थे उन सबको ऐसे स्टफ करके रख लेंगे। पनीर की स्टफिंग, अब हम बनाएंगे अपनी ग्रेवी और उस। हेलो फ्रेंड्स, हमने अपना ये पनीर मैरिनेट किया था जो हमने स्टफ करके रखा था। सॉरी, मेरे वहाँ पे लाइट का इशू हो गया था तो मैं अब यहाँ पे बना रही हूँ। ग्रेवी के लिए हम यूज कर रहे हैं 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसमें डाल रहे हैं मैं 1 तेज पत्ता और 1 बड़ी इलायची। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप अपने प्याज बारीक बारीक चॉप किए हुए। साथ में इसमें मैंने 2 घंटे पहले अपने काजू सॉक किए थे 12, वो मैं डाल रही हूँ। और इसमें डालेंगे 2 से 3 हमारी हरी मिर्च बारीक बारीक काटी हुई। इसको हमें 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे इसे अभी हम। और साइड बाय साइड मैंने अपना पानी भी गर्म होना रखा हुआ है, क्योंकि जहां जहां पे भी हम इसे पानी डालेंगे वो हम गर्म पानी ही यूज करेंगे, ठंडा पानी या नॉर्मल वाटर कोई यूज नहीं करेंगे हम। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून हमारा कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच मैदा या 1 टेबलस्पून हमने मैदा लिया और इसकी हम बनाएंगे स्लरी। हम इसको ऐसे बना लेंगे। इसमें हम जो पनीर हमने बना के रखा है अपना स्टफिंग वाला, उसको डिप करके फ्राई करेंगे हम उसे। ये हमारे 2 से 3 मिनट हो गए। अब इसमें डालेंगे हम अपने चॉप के और 1/2 कप हमारे डालेंगे टमाटर, 1/2 में थोड़ा सा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और इसमें डालेंगे हम 2 कप अपना हॉट वाटर जो ये, और इसको हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए ढक के हम कुक करेंगे अच्छे से। ये हमारा कुक हो रहा है, हम पीछे वाले गैस पे शिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपने तेल बढ़ा रहे हैं अपने पनीर को फ्राई करने के लिए। यहाँ इतना ऑयल गरम हो रहा है, वहाँ पे हमारा वो पक रहा है, साथ ही साथ 10 मिनट के लिए वो पकेगा। और यहाँ पे हमने ये कर लिया, ये स्लरी है, स्लरी को हम थोड़ा पतला करेंगे। इस पनीर को हम इस स्लरी में ऐसे डिप करेंगे अच्छे से। और फिर हमने यहाँ सूखा कॉर्नफ्लावर लिया है, इसके अंदर दोबारा से डिप करेंगे अच्छे से। इसके चारों तरफ आपका कॉर्नफ्लावर लगना चाहिए। ऐसे आप तीनों पनीर को करके साइड में रख दीजिए। मीनवाइल हमारा ऑयल गरम हो रहा है, ये हमारे हो गए। और जो हमारा थोड़ा सा मैरिनेशन बच गया था जो हमारा था, इसके आप छोटे छोटे बॉल्स बना के इनको भी ऐसे स्लरी में और डिप करके कॉर्नफ्लावर में डिप कर दीजिए। ये हमारा ऑयल हो गया गरम, इसमें करेंगे फ्राई। ये हमारी ग्रेवी भी हो रही है यहाँ पे, 2 मिनट और इसे कुक करना, भी हमारे 1 या 10 मिनट्स पूरे। अब हम अपने पनीर को करेंगे डीप फ्राई, इसको आपको कलर आने तक फ्राई करना है। पनीर हमारा हो गया, इस पे कलर हल्का ब्राउन आ गया, इसको भी हम निकाल लेंगे। ऐसे हम अपने सारे पनीर को फ्राई करेंगे। हमारी ग्रेवी को 10 मिनट्स हो गया, अब उसकी फ्लेम कर दी हमने बंद। अब उसको ठंडा होने के बाद हम पीस लेंगे। मीनवाइल आप एक बाउल में 1 टीस्पून हमने डाला है अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसमें डालेंगे हम 1/4 टीस्पून हमारी गई हल्दी, 1/2 टीस्पून हमारी जाएगी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हमारा जाएगा कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें डाले हमने अपना जीरा पाउडर। और इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी और इसको मिला के हम एक साइड रख देंगे। पानी में हम इसको इसलिए मिलाते हैं कि ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। अब हम एक और पैन लेंगे अपना,
इसमें हम एक टेबलस्पून हमारा डालेंगे ऑयल, दो टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें बटर। मैं अमूल का बटर यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो न्यूट्रालाइट वगैरह भी कर सकते हैं। दो टेबलस्पून हमने डाला है इसमें बटर। इसके अंदर हम डालेंगे एक हमारी ब्लैक कार्डमम, काली इलायची। इसके बाद जो ये हमने पानी में अपने मसाले बना के रखे थे इनको डालेंगे हम और अच्छे से कुक करेंगे। इसको आप पीसेंगे, जो हमारा तेज पत्ता और काली मिर्चा ये निकाल के फिर आप इसे पीसेंगे, वरना इनका टेस्ट बहुत ज्यादा ओवरपावर कर जाएगा आपकी ग्रेवी को। हमारी ग्रेवी हमने जो बनाई थी वो पीस ली है, अब इसके अंदर ही हम डालेंगे अपनी ग्रेवी। इसको थिक होने तक हम करेंगे अपनी, इसको हाई फ्लेम पे ही ढक के कुक कर लीजिए। बीच बीच में इसको चलाते रहिए, 5-7 मिनट से अभी कुक होंगे हाई फ्लेम पे। टीस्पून इसमें मैंने डाली देगी मिर्च, कलर के लिए सिर्फ, तीखे वाली नहीं है, कश्मीरी भी जिसे हम बोलते हैं वो है ये। इसको अच्छे करेंगे अच्छे से मिक्स। तो अभी हम हाई फ्लेम पे 2-3 मिनट और कुक करेंगे। 2-3 मिनट कुक होने के बाद इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून अपनी दही। 2 मिनट और हो गए हैं, अब इसमें डालेंगे हम अपनी दही, 2 टेबल स्पून हमारी गई दही, और इसको आपको कंटिन्यू चलाते रहना ताकि आपकी दही फटे नहीं। तो भी अब हम करेंगे 2 मिनट तक बॉयल। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे हमेशा। हमारी ग्रेवी कुक हो गई है, इसमें अब डालेंगे लास्ट में हम कसूरी मेथी हमारी 4 टीस्पून, मसाला 1/2 टीस्पून, हम 4 टीस्पून इसमें डालेंगे हमारी शुगर। फ्लेम मैंने बंद नहीं किया, साथ में 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे हम अपनी फ्रेश क्रीम डाल के अच्छे से करेंगे मिक्स। आपने पनीर रेडी किया वो हमेशा आप सर्विंग के टाइम ही डालिए, इस ग्रेवी में मत डालिए कभी भी। बॉल आने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर, या आप इसमें डाल सकते हैं देसी घी, अप टू यू है। इसमें 1 टेबलस्पून बटर डाल दीजिए या 1 टेबलस्पून देसी घी। मैंने यहाँ पे बटर डाला, कुछ भी डाल सकते हैं। हमारी ग्रेवी हो गई है रेडी, अब हम कर रहे हैं फ्लेम बंद। पहले आप करेंगे हमें पनीर को जिस भी शेप में काटना चाहे काट सकते हैं। देखिए हमारी स्टफिंग आपको शो हो रही है इसमें। उसके बाद अब इसके ऊपर से डालेंगे हमारी ग्रेवी। तो आपके ऊपर आप ट्रायंगल शेप काटते हैं या ऐसी शेप, किसी भी शेप में आप इसे काट सकते हैं। ऊपर से इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी अपनी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर रेसिपीज। थैंक यू।